Assalamualaikum, my YouTube family, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सभी हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ लिया है, माय रूटीन विद माय सासूमा एंड माय नन। चलिए जी, अभी करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने हमेशा की तरह क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि ऐसे आने वाले बहुत से प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को मिस ना हो जाए। तो चलिए अभी चलते हैं ड्राइंग रूम में, और मैं दिखाती हूँ अम्मी क्या कर रही है इस टाइम। आज अम्मी यहाँ पे कट कर रही है मेरे लिए नारियल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और हाँ जी, अम्मी ने कट कर दिया इतना, इधर से हम पानी निकालना। अच्छा, ये पानी निकलेगा शायद, लगा के इधर भी इधर भी, फिर पानी पहले निकालना, ठीक है? फिर ये फिर अंदर से निकलेगा। सही है। ये मोस्टली वीडियोस में देखा होगा कि सिर्फ ऊपर से कट किया हुआ था, स्ट्रॉ लगाया हुआ होता है, स्ट्रॉ लगाते हैं जी। निकाल लिया इधर से, हाँ लगा के खुद देखो। ठीक है, चले इसको करते हैं जरा ना। देखा, हाँ ठीक, चले स्ट्रॉ पड़े हुए, स्ट्रॉ लगा के, स्ट्रॉ लगा के तो पानी पियेंगे। बस अभी आज की आपको सारी रूटीन हम शेयर करते हैं वन बाय वन, जो जो काम करते जाएंगे। अभी क्लीनिंग होनी है, अभी किचन में हमने बहुत सारे काम करे हैं, तो चलिए आइए आपको सारे शेयर करते जाएंगे टाइम बाय। और एक चीज़ और, इसी वीडियो में आज मेरी बेटी आप लोगों को एक लोबी देगी, जो कि हम लोगों ने बहुत ही प्यार से रिकॉर्ड किया है मिल मिला के। तो वो आपको उमाइजा अपना कम्प्लीट लोबी टूर देगी, बाकी जो होम टूर होगा वो मैं इंशाल्लाह आने वाले वीक में आप लोगों को दूंगी, क्योंकि हम लोग इस वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह उमरा करने के लिए। तो कहीं आप लोगों से मेरे उमरा ब्लॉग मिस ना हो जाए, आप लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा उमरा ब्लॉग आने वाला है, जो कि अम्मी, सायरा, मैं, उबैद और हम सब जाएंगे इंशाल्लाह करके उमरा करने, ठीक है? और दूसरा एक चीज़ और है, आप सबसे एक ढेरों दुआ की रिक्वेस्ट है। उमाइजा ने अपना एक टेस्ट देकर आई दी है, जो कि हम चाहते हैं वो क्लियर कर ले। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है उमाइजा के लिए कि उमाइजा जो टेस्ट देकर आई है उसमें उसका ए प्लस ग्रेड आए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं उमाइजा के साथ हैं। बेटियां तो होती ही सबकी सांझी होती है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है उमाइजा के लिए, ताकि उसका ए प्लस ग्रेड आए। और मेरी बेटी की पर्सनली बहुत विश है कि मम्मा आई वॉन्ट ए प्लस ग्रेड, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लेकर भी आएगी। आप सबने बहुत सारी दुआ करनी है। चलिए जी, अभी अपना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। यहाँ पे भाभी सारा क्लीन कर रही हैं, मॉप लगा रही हैं। हेलो। और रोहान एंड उमाइजा जो है वो सब वाइंड अप कर रहे हैं। रोहान आई थिंक, सो मुझे लगा रोहान वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपने किसी काम के लिए जो चेयर्स को सेट कर रहा था। उमाइजा ने काफ़ी सारे सामान जो है ना यहाँ से मैस था वाइंड अप किया है, लेकिन मुझे लगा है कि रोहान वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने किसी काम के लिए चेयर्स को सेट कर रहा था। और भाभी को भी पता नहीं था, वो सर क्लीन कर रही थी, तो मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन लास्ट में उनको पता चल गया। भाभी सारा बाइट से क्लीन कर रही थी, और मैंने सारा ये किचन किया था। ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए थे हम, तो फिर मैंने सारा ये किचन को कर दिया क्लीन। बस कुछ रह गए हैं, ये दाल भी भिगोई हुई है, आज आई थिंक सो दाल बनेगी या क्या बनेगा इसमें, तो ये सब क्लीन कर दिया था मैंने। उमाइजा खा रही है डोनेट, जो उसके फेवरेट है, और सारा घर हो चुका है क्लीन, बिल्कुल क्लीन कर लिया हुआ भाभी ने। भाभी का रूम भी है क्लीन हो चुका है, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम भी क्लीन हो चुका है। उमाइजा ने अपनी मामा की काफ़ी हेल्प की है, जितने भी टॉयज़ वगैरह थे सब इधर पड़े हुए, वो सब उमाइजा ने वाइंड अप किया है। और भाभी ये लास्ट स्टेप है, मॉप को क्लीन कर रही हैं,
बाकी हो चुका है सारा काम। चलिए यहाँ पे मैंने अभी पानी चेंज कर दिया कूलर का, और इसके अंदर आइस बैग्स भी रख दिए हैं, तो अब मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ये ना चले तो फिर गर्मी गर्मी सी रहती है रूम में। एसी के साथ ये भी चलाते हैं ताकि एयर फ्लो जो है वो मूव होता रहे, एयर जो है डिफरेंट सर्कुलेशंस की होती रहे एयर की। तो बस अभी ये मैं चला रही हूँ और फिर चलते हैं किचन में। ये जी कोकोनट है जो कि भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और किसी को कट नहीं करना आता। अब जो है अम्मी को बुला रहे हैं, अम्मी कट करती हैं, देखते हैं ये कैसे कट होता है, ये किसी को भी नहीं कट करना आता है। अच्छा जी, तो इसको पहले छीला जाता है। बर्तन चाहिए कोई? ये जी काफी हार्ड है, ये सॉफ्टली तो नहीं टूटने वाला, फिर भी लेट्स ट्राई। जितने ऐसे इसको काटा जाता है, अगर ये नहीं है कोई इजी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं, आज कुछ स्पेशल बनने वाला है आई थिंक सो। हाँ जी, ये कैरेट्स हो रही हैं, आज कर रही हैं अभी, मैंने पहले इनको मैं पील कर रही हूँ। और आज वैसे मजे की बात ये है कि आज जो है हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, कर रही है मेरे लिए, अम्मी कर रही है मेरे लिए काम, सायरा करने लगी है अम्मी के लिए वाटरमेलन कट, और जो मैं कर रही हूँ इनके लिए कट, क्योंकि हम लोगों ने खाना है हलवा, सब कर रहे हैं कट कट कट, और एक दूसरे के लिए कट कट, एक दूसरे के लिए। यस, सास नंद और बहू का प्यार, मतलब एंड कैरेट्स एंड And coconut. Yes, और उमाइजा भी काफी हैप्पी है। उमाइजा जो है ना अब रिवील कर चुकी है कि हम लोगों ने न्यू किचन सेट किया है। चलिए आप लोगों को किचन टूर करा देते हैं अपने से किचन की। ये इग्नोर कीजिएगा मेरे हाथ में। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है किचन की, तो इस साइड पे मैंने रख दिया है रैक। यहाँ पे मैंने किचन रैक, सबसे पहले ये आता है हमारा एंट्रेंस की फॉरन बाद ये किचन रैक आता है, बेसिकली माइक्रोवेव प्लस स्पाइस रैक आ जाता है। इसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया है कि ऊपर मेरे स्पाइस आ गए हैं जो कि सुबह के टाइम ज्यादा जरूरी होते हैं, जिस तरह बटर हो गया या देसी घी हो गया, वो इस साइड पे रखा है बिल्कुल ओवन के साथ। और यहाँ पे आगे चाय का सामान आ गया, वाटर बॉटल्स आ गई, ऑयल आ गया इस साइड पे। और इसको मैंने नीचे वाले पार्ट को किस तरीके से यूटिलाइज किया, बेसिकली ये एरिया जो है यहाँ पर ये एरिया जो है यहाँ पर माइक्रोवेव का ही है, लेकिन ये हमने इसलिए यहाँ पे रखा है, ये ओल्ड है और इसको सेल कर देना, हम लोगों ने इसको कट ऑफ करना है यहाँ से। और ये ड्रॉर, इस साइड का ड्रॉर है जो कि अभी ऊपर रखा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इसको यूटिलाइज इस तरीके से किया है कि इसके अंदर मैंने सिलेंडर यहाँ पे रख दिया जो कि बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर दिया। एक साइड पे स्पेयर बॉटल की जगह थी वो यहाँ पर आ गई है, और ये हम निकाल देंगे यहाँ पे। मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज करूंगी, जिस टाइम ये चला जाएगा फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमने इसको सेल कर देना है, ठीक है? और ये क्यों सेल कर देना है मैं अभी आपको आगे के दिखाते हैं। किचन के अगले एरिया पे आते हैं, ये आ जाते हैं हम लोग का ओवन साइड आ जाती है, ठीक है? ओवन यहाँ पे इजी हो जाएगा मेरे लिए, कोई चीज पकानी है करना है यहाँ पे रखे, रोटी जो है पका के बड़े से रख दी बजाय क्योंकि वहाँ शेल्फ पे मैं जाऊँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। सेकंड ये कि इस साइड पे एसी है, तो जिसकी वजह से वो सब कुछ जो है ठंडा हो जाता है, तो बहुत अच्छा है सेट किया हुआ है। और अगर अब इस साइड पे आ जाए तो ये आप लोगों ने देखा हुआ मेरा सिंक रैक है, और सिंक रैक पे एक चीज मेरी जो है मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही फेमस है, मट्टी का बर्तन, जो कि बहुत ज्यादा लड़कियों को शौक भी होगा मेरी तरह, तो ये मट्टी का बर्तन है। ये केक है, केक जो है बच्चे लेकर आए उनको डाल के देना है मैंने। ये पाकिस्तानी अचार है मेरा, ये देखे अम्मी ने डाल के दिया था मुझे, जो कि मैं साथ लेकर आई हूँ।
और ये वाला स्टैंड आप लोगों ने देखा ही हुआ है पहले से, ये वाला स्टैंड मेरा पहले से देखा हुआ है, इसमें ये चीज हमारी न्यू है, इसीलिए मैं अपना और जो माइक्रोवेव है वो सेल आउट करने लगी, और ये मेरा न्यू माइक्रोवेव है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया न्यू माइक्रोवेव, और इसके ऊपर जो सारी चीजें मैं खाली करती हूँ वो आ गया हम लोग के रैक, दूसरे रैक के ऊपर, और इस साइड पे अगर आ जाते हैं तो इधर है मैं क्या चीज यहाँ पे नहीं है, मार्बल स्टैंड, स्पाइस रैक, ये न्यू है मेरा जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और ये बहुत ही कूल लग रहा है, कैसे क्योंकि इसके साथ मैच है, हमारी शर्ट के साथ मैचिंग है, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं, और इसमें मैंने कंट्रास्ट इस तरीके से किया है, ये जो बैक वॉल है इसको मैंने कैबिनेट के साथ इसका कंट्रास्ट किया है, और डिफरेंट स्पाइस रैक्स है उसको मैंने शेल्फ के साथ इसका कंट्रास्ट किया है, एंड देन अगेन यहाँ से मूव करके तो यहाँ से फ्रिज आ जाता है, वहाँ से आप लोग बाहर की तरफ रास्ता देख ले, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, ओके ये कर्टन भी लेके आए थे आते हुए पाकिस्तान से, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, आयरन है, ये न्यू रग लिए हुए हैं जो लॉबी में टोटली जो है मेन डोर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब जा रहे हैं लॉबी में, और भाभी के रूम की साइड पे भी और उमायजा के रूम की साइड पे भी, और ये किया है न्यू सेटअप भाभी ने पिक्चर्स का, ये ऑन करके दिखाते हैं आपको, ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, तो ये देखें मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ, पीछे से ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, आप देखें ये सब न्यू चेंजिंग जो है ना सब हमारे आने से पहले की है उन्होंने, ये चीज़ एक तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी, उमायजा एक चीज़ दिखाना चाह रही है जो कि उमायजा का रूम है, लेकिन अभी सिर्फ ये मिकी माउस दिखा रही है, बाकी उमायजा के रूम आपको दिखाएंगे, ये सरप्राइज़ है, होम टूर जो है ना होम टूर कंप्लीट होगा, बस अभी कुछ सरप्राइज है जिसकी वजह से अभी होम टूर नहीं हो रहा, रूटीन आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपने बताने मेरी लोबी कैसी सेट हुई भी है, ये भी हम लोग ने नया लिया, सारा मायदा नहीं दिखाया हाँ, ये शो करवाया जो कि हम लोगों ने चेस्ट ड्रॉर के तौर से भी यूज कर लिया, ऊपर डेकोरेशन लगा दी है, यहाँ पे एज अ आयरन स्टैंड भी यूज हो रहा है, इसके मल्टीपल पर्पज है, एज अ शू रैक भी यूज हो रहा है, बहुत कुछ इसका है। चलिए जी अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर दें, इंशाल्लाह आऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में उमरा ब्लॉग के साथ, और उसके बाद आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होम टूर आने वाला है, मिस ना हो जाए कहीं, आप लोगों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट उमरा ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।